हमारे स्पाइसी और क्रंची हनी चिली पोटैटोस रेडी हैं परोसने के लिए। ऊपर से डालेंगे थोड़े से तिल और थोड़े से हरे प्याज। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आपको आलू का बहुत ही आसान इंडो चाइनीज स्टार्टर बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है हनी चिली पोटैटोस। एंड जैसे कि इसका नाम है, बहुत ही स्पाइसी और चिली से भरे पोटैटोस होते हैं, हल्की सी हनी के मिठास के साथ। तो हनी चिली पोटैटोस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीबन 3 से 4 आलू ले लिए हैं, जिसको मैंने ऐसे स्ट्रिप्स में काटा है, जैसे नॉर्मली आप फ्रेंच फ्राइज काटते हैं, बस वैसे ही आपको काटना है। मैंने फ्रेंच फ्राइज से थोड़ा थिक रखा है, तो इस तरह के से आप काट दीजिए सारे आलू को। और मैंने इसे पानी में भिगा लिया है कम से कम 1 घंटे के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छे से सोक करके रखा है। इससे क्या होगा, इसका जो भी एक्सेस स्टार्च होगा वो निकल जाएगा और हमारे जो हनी चिली पोटैटोस है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। आप चाहें तो इसे थिक, थिन, मोटा, पतला, जैसे आपको पसंद हो वैसे आप आलू को काट सकते हैं। तो 1 घंटे में क्या होगा ना, इसका जो भी एक्सेस स्टार्च होगा पानी में वो निकल जाएगा। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में हैं, अगर आपको अपने आलू को 1 घंटा नहीं भिगाना है पानी में, तो इसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप एक बर्तन में गर्म पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रखिए, उसे मिक्स कर दीजिए और फिर उसमें भी आप ये आलू सोख करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल के किसी टिश्यू पेपर पर या फिर किचन टॉवल के ऊपर ऐसे रख देंगे और अच्छे से इसे फैला देंगे ताकि इसका पूरा एक्सेस पानी निकल जाए। उसके बाद मैं एक बड़ा बोल लूँगी और इसमें हम कोटिंग का बैटर तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1/2 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा, और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1/4 कप कॉर्नस्टार्च का यानी कि कॉर्नफ्लावर। फिर मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट यानी कि लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून तेल, और इन सारी चीज़ों को पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आपस में। और जैसे ही चीज़ें सारी मिक्स हो जाए उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती जाऊंगी और इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लूंगी। तो इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाइए इसका गाढ़ा घोल तैयार करने के लिए। आप विस्क यूज़ कर सकते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े। तो आप देख सकते हैं गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। इसमें मैं क्या करूँगी, सारे मेरे पोटैटो के पीसेस डाल दूंगी और फिर अपने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, जैसे सारे आलू के पीसेस अच्छी तरह से इस बैटर के साथ कोट हो जाए। ये देखिए, ये सारे आलू अच्छी तरह से कोट हो गए हैं इस बैटर के साथ। अब यहाँ पे मैंने पहले से तेल रखा था गर्म होने के लिए, इसमें मैं आलू को फ्राई कर लूँगी। तो एक एक करके आलू इसमें डालते जाइए बैचेस में, ये देखिए, और इसे मीडियम हाई फ्लेम पर पकाते जाइए 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छी तरह से पक ना जाए अंदर से और ऊपर से स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऐसे फ्राई कर रही हूँ बैचेस में, बीच बीच में आप ऐसे मिक्स करते जाइए ताकि आपस में चिपके ना, और जब तक ये ऊपर से अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग और बढ़िया से कलर ना आ जाए तब तक इसे फ्राई करते रहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है। इन्हें निकाल देंगे किसी टिश्यू पेपर के ऊपर। ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं हमारे आलू, बिल्कुल अच्छे तरह से फ्राई हो गए हैं, हल्के से सॉफ्ट भी हो गए और ऊपर से प्यारा सा कलर भी आया है और क्रंची कोटिंग भी है। तो इसी तरह से सारे आलूओं को फ्राई कर लेंगे। फिर एक बड़े से वॉक में मैं 2 से 3 टेबलस्पून तेल गरम कर लूँगी हाई फ्लेम पर, और जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, और इसे भी मिक्स करते पकाते जाएंगे बस थोड़ी देर के लिए, जैसे अनियंस थोड़े से स्लाइटली गोल्डन ब्राउन और टेंडर या फिर सॉफ्ट ना हो जाएं। तो आज मैं यहाँ पे हरे प्याज यूज़ कर रही हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप रेगुलर प्याज भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम, तो यहाँ पे मैंने 1/2 कैप्सिकम लिया है जिसे मैंने ऐसे लंबे टुकड़ों में काटा है। इसे भी प्याज के साथ थोड़ी देर पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसमें थोड़ा सा क्रंच बाकी होना चाहिए। तो अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, ये 1 टीस्पून सोया सॉस है, 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ रेड चिली सॉस या फिर पेस्ट, फिर मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस यानी कि केचप, 1 टीस्पून मैं विनीगर डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, और फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे ही सॉसेस पक जाएं सारे प्याज और कैप्सिकम के साथ।
अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्न स्टार्च का घोल यानी कि कॉर्न स्टार्च का पानी, जिसके लिए मैंने 3 से 4 टेबलस्पून पानी लिया था एक बोल में, और उसमें मैंने मिक्स किया है 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर, और इसे अच्छी तरह से पकने देंगे और इसमें एक बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे इसमें बॉयल आ जाएगा मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के हनी। आप चाहें तो कम या ज़्यादा, जैसा आपको टेस्ट पसंद हो आप हनी डाल सकते हैं। इससे इस डिश को बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस डिश का। तो हनी डालने के बाद भी बस इसे थोड़ी देर पकाना है। और अब बारी आती है डालने की हमारे फ्राई किए हुए पोटैटोस, और इन सारे आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे इन सारे बेस की ग्रेवी या फिर सॉस या फिर सारे फ्लेवर्स के साथ, और इसे जेंटली मिक्स करते जाइए जैसे आलू टूटे ना, और इसे पूरी तरह से मिला लीजिए जैसे सारे आलू के पीसेस में जो सॉसेस है ना वो अच्छी तरह से कोट हो जाए, कोई भी आलू ना छूटे। तो इस समय मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ थोड़े एक्स्ट्रा स्पाइसीनेस के लिए। तो आपको जैसा पसंद है कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मैं डालूंगी हरे प्याज का हरा हिस्सा, इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इस डिश में, और इसे भी मिक्स कर लेंगे सारे आलूओं के साथ और सॉसेस के साथ। तो इसे ऐसी तरह से मिक्स करते जाइए। तो बस अब क्या करना है, ये तैयार हो गई है हमारी डिश हनी चिली पोटैटोस की। इसे गर्मा गर्म परोसेंगे, और परोसने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से तिल, तो ये भुने हुए तिल हैं जिसे मैंने पहले ही भून के रखा था, और साथ ही में मैं डालूंगी लास्ट में इसमें हरे प्याज का हरा हिस्सा। तो बस अब ये डिश कंप्लीट हो गई। आप ये देख सकते हैं कितनी प्रेजेंटेबल और कितनी कलरफुल लग रही है हमारी डिश। तो ये हमारे हनी चिली पोटैटोस तैयार हो गए हैं खाने के लिए। इसे बिल्कुल गर्मा गर्म परोसिएगा, वरना अगर आप इसे रख लेंगे थोड़ी देर तो ये जल्दी से सौगी हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज का ये आलू का इंडो चाइनीज डिश पसंद आया। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे जल्दी से मिलती हूँ और एक बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक ले हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।